बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू निशात इजी कुकिंग। आप देख रहे हैं निशात इजी कुकिंग। तो आज मैं आपको बिल्कुल इजी सी रेसिपी लेकर आई हूँ आपके लिए, जिसको आप फ्राई गोश्त या आप नमकीन गोश्त भी कह सकते हैं। और ये मजे में इतनी लाजवाब है, जब आप अपने घरों में बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी ही मजेदार है। अब आपके दस्तरखानों पर नई नई चीजें आ रही हैं और वही मसालों से, वही घर के मसाले जिससे हम रोजमर्रा के खाने बनाते हैं। तो आज मैंने आपको एक नई रेसिपी एक और दे रही हूँ, आप लोग इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, और पसंद आएगी तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और आपने इसको जरूर ट्राई करना है। ठीक है, चलिए अब हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं कि हम इसमें क्या क्या डालेंगे और इसको हम किस तरीके से बनाएंगे। बस इसमें एक बात की शर्त है कि गोश्त आपका बहुत अच्छा सा गला हुआ होना चाहिए। ये देखें आप कितना अच्छा सा गोश्त हमारा गला हुआ है, तो ही ये सालन या नमकीन गोश्त, फ्राई गोश्त बहुत ही मजेदार बनेगा। ठीक है, चलिए अब इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं कि हम इसमें क्या क्या डालेंगे और इसको हम किस तरीके से बनाएंगे। फ्राई गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको गोश्त का बता देती हूँ। गोश्त को हम इसके अंदर बॉईल करके, ये देखिए मैंने इस तरीके से इसको काट लिए हैं, थोड़ी बड़ी बड़ी बोटियां काट ली हैं। और ये मैंने गोश्त लिया है 500 ग्राम। ठीक है, 500 ग्राम हम इसमें गोश्त लेंगे और एक गिलास हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे और हाफ टी स्पून हम इसमें नमक डाल के इसको बॉयल होने के लिए चढ़ा देंगे। और हमें ये बिल्कुल डन चाहिए, ठीक है, बिल्कुल हाफ डन नहीं, बिल्कुल हम गोश्त को डन कर लेंगे बॉयल करने में, और उसके बाद फिर हम इसको फ्राई करेंगे। इसमें हम आधी गिलास पानी और ऐड करेंगे क्योंकि हमें पानी कम दिख रहा है। पूरा 1.5 गिलास पानी हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसको चूल्हे पर चढ़ा देते हैं गोश्त गलने तक। हमारा गोश्त बॉयल हो गया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल मैंने डन किया है इसको। ठीक है, ये हो गया है, हल्का हल्का सा इसके अंदर पानी भी है, ये भी हम इसी के अंदर शामिल कर देंगे। लेकिन पहले हम अपने गोश्त को फ्राई करेंगे, उसके बाद हम ये इसकी यखनी भी शामिल करेंगे। अब मैं आपको इसके दूसरे इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। इसके अंदर बहुत ही आसान है, इसके अंदर हम ये 8 अदद हमने मिर्चें ले ली हैं, 10 अदद हरी मिर्चें हैं, इसको हम पीस लेंगे। और इसके अंदर हम यहाँ पे ले लेंगे 1 टीस्पून हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लिया है, 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून हमने कुटी हुई लाल मिर्च लिए और 1 टीस्पून हमने पिसी हुई काली मिर्च लिए। बहुत ज्यादा पाउडर फॉर्म नहीं है, थोड़ी कुटी हुई है। ठीक है, काली मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च और हरी मिर्च, ये तीनों मिर्चें इसके अंदर जाएंगी। इसको भी हम अभी पीस लेंगे और दम पे हम इसके अंदर डालेंगे ये 2 अदद हमने टमाटर ले लिए हैं, जिसको हम हाफ हाफ कर लेंगे, और 4 अदद हमने साबित लाल मिर्चें ली हैं और हाफ हमने नींबू लिया है। ये हम दम पे डालेंगे तमाम चीजें, और ऑयल हम इसके अंदर 200 ग्राम इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए अब हम गोश्त को बघारते हैं। फ्रेंड्स, इसमें हमने 200 ग्राम ऑयल डाल दिया है, ऑयल आप कम ज्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब ये हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल कर दिया है हमने, ये जरा सा ब्राउन होगा तो हम इसके अंदर गोश्त भी ऐड कर देंगे। खुशबू आनी शुरू हो गई है, अब हम इसके अंदर ये गोश्त ऐड कर देंगे। इसमें जो थोड़ी सी यखनी थी वो हमने निकाल ली है, क्योंकि हम गोश्त को थोड़ा सा फ्राई करेंगे ऑयल के अंदर। इसको हम तकरीबन 5 मिनट फ्राई कर लेंगे ऑयल में अदरक लहसुन के साथ। फिर 5 मिनट के बाद हम इसके अंदर दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। हमें गोश्त को भूनते हुए 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इसमें दूसरी चीज़ें भी ऐड कर देंगे। ये हमने हरी मिर्चें जो पीस ली थी, 10 अदद हरी मिर्चें हैं ये। और साथ में इसमें ये काली मिर्चें और कुटी हुई रेड चिली। अब इसके साथ ही हम इसके अंदर यखनी भी ऐड कर देंगे, जो हमने इसकी यखनी निकाल ली थी। ये देखें ये यखनी, ये बस इतनी ही यखनी इसमें बची थी, तो ये हम इसमें डाल देंगे। इसमें पानी वगैरह और बिल्कुल भी नहीं डलेगा। बस अब हम इसको थोड़ा सा कवर कर देते हैं। इस स्टेज पे आप इसमें नमक भी चेक कर लीजिएगा और मिर्चें भी चेक कर लीजिएगा। मिर्चें तो हम इसमें दम पर भी डालेंगे। अब हम इसको कवर कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। पानी खुश्क होने तक मीडियम आंच हमने कर दी है। इसको हम थोड़ा सा फिर उसके बाद भून के इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। देखिए हमारे गोश्त को तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं और इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है।
अब हम इसको थोड़ा सा इस ऑयल के अंदर भून लेंगे। थोड़ी सी आंच हमने तेज कर ली है। नमक इसमें बिल्कुल सही है और मिर्चें तो हम इसमें मज़ीद अभी ऐड करेंगे। तो ये देखिए हमारा मसाला सब अच्छा सा भून गया है। अब हम इसके अंदर ये टमाटर इस तरीके से रखेंगे। टमाटरों को मैंने हाफ हाफ कर लिया है, उल्टा नहीं रखिएगा। ये देखिए इस तरीके से रखिएगा, इस तरीके से हम टमाटर रखेंगे इसके अंदर। और ये हरी मिर्चें भी हम डाल देंगे इसमें और इसको हम दम पे रखेंगे 5 से 10 मिनट। बस ज़रा ये हमारी हरी मिर्चें सॉफ्ट हो जाएं तो ये हमारा गोश्त, नमकीन गोश्त या आप फ्राई गोश्त कह सकते हैं इसको, तैयार है। इसके साथ में हम इसके अंदर लेमन जूस भी ऐड कर देंगे, जो हमने हाफ नींबू ले लिया था बस। अब हम इसको कवर कर देते हैं बस हरी मिर्चें गलने तक। फ्रेंड्स ये हमारे गोश्त को 10 मिनट हो गए हैं। टमाटरों को हमें गलाना नहीं है, बस इसी तरीके से रखना है। बस ये इसमें ऐसे ही रहेंगे बस। बस ये बिल्कुल हमारा रेडी हो गया है सालन, वो नमकीन गोश्त या आप इसे फ्राई गोश्त भी कह सकते हैं। बस हमें टमाटरों को मैश नहीं करना है, बस ये बिल्कुल इसी तरीके से रहेंगे। अब मैं आपको ये डिश आउट करके दिखाती हूँ। लेकिन फ्रेंड्स हमारा नमकीन गोश्त या जिसे आप फ्राई गोश्त भी कह सकते हैं तैयार है। बिल्कुल एकदम ये फ्राई सा है, इसमें कोई मसाला वसाला नहीं है। तो आप लोग इसको दाल के साथ और कुछ भी सालन के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो आप लोग उसको ज़रूर बनाइएगा, ये नमकीन गोश्त या फ्राई गोश्त आप जो भी चाहें कह सकते हैं। और ये इतना मज़ेदार है, घर की चीज़ों से मैंने आपको ये बिल्कुल नई रेसिपी दी है आज। और ये टमाटर को मैश बिल्कुल भी नहीं करना है, बस इतनी देर रखना है कि हमारे टमाटर बस इस तरीके से हो जाएं। इसको हम अलग से खाएंगे, जिसको टमाटर अच्छे लगते हैं वो खाएगा, जिसको नहीं अच्छे लगते हैं वो नहीं खाएंगे। तो हमें इसके अंदर टमाटर का टेस्ट नहीं लाना है। जिस तरीके से मैंने टमाटर डाले थे आप टमाटर बिल्कुल उसी तरीके से डालिएगा। अगर आपको टमाटर अच्छे लगे इसके अंदर पसंद आए तो आप मजीद टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन हमें उन जूसेस को, टमाटर के जो जूसेस हैं वो हम इसे गोश्त में नहीं डालना है। तो जिस तरीके से मैंने टमाटरों को रखा था और बस 10 मिनट मैंने इसको दम पे रखा था, बस इसी तरीके से आप रखिएगा तो इसमें गोश्त वो टमाटरों का टेस्ट नहीं आएगा और टमाटर भी बहुत ही मज़ेदार से लगेंगे। तो आप मेरी ये नई रेसिपी को बनाएं और अगर आप लोगों को अच्छी लगे और जिसको भी पसंद आए तो मुझे कॉमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि मेरी ये नई रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी तो सब जगह गोश्त की डिशेज चल रही हैं तो आप लोग मेरी ये नई डिश भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वही घर के मसालों से बनी हुई। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। चलें अब आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।